अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर GTA San Andreas वीडियो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट है, पर मैंने कैप्शन डाल दिया था, पर कोई नहीं, वीडियो आ चुकी है। तो जैसा कि आपको लास्ट वाले एपिसोड में याद ही होगा कि हम ब्लास्ट गैंग के बॉस ने हमें बुलाया था अपने पास। उसने कहा था हमारा एक ब्लास्ट गैंग का मैनेजर है जिसको पुलिस ने ना अरेस्ट कर दिया है, तो हम लोग उससे छुड़ाने के लिए ना एयरपोर्ट भी गए थे, लेकिन पुलिस उसे वहाँ से लेकर ना प्लेन में उड़ चुकी थी, यानी कि प्लेन ने उसको बढ़ा कर उड़ चुकी थी दूसरी सिटी के लिए। तो हम उसके पीछे पीछे प्लेन में दूसरी सिटी भी गए थे, लेकिन वहाँ भी नहीं था मिला। फिर हम जब हम ब्लास्ट गैंग के बॉस के पास वापस आए, तो उसने कहा मैं तो वैसे ही आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं आपको वैसे भगा रहा था। तो ब्लास्ट गैंग का मैनेजर उसके पास ही था, यानी कहीं नहीं था। अब जल्दी से उसके पास चलते हैं। उसने उसके साथ साथ हमें एक और काम भी दिया था। उसने कहा था कि मिलिट्री बेस का एक हेलीकॉप्टर था जो कि उसे बहुत ज़रूरी चाहिए, तो वो उसे ला कर देना है, उसके बदले वो अपना घर मुझे दे देगा। तो भी ये आप सोच रहे हैं कि हेलमेट क्यों पहना, हेलमेट मैंने आज इसलिए पहना है ताकि हम बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं, तो मिलिट्री वालों को पता न लगे कि ये काम CJ ने किया है। गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज मेरी आवाज़ को क्या हो गया। आज मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है, गला ख़राब है उसके साथ साथ जो है ज़ुकाम भी लगा है। वैसे आपका भाई स्टंट ड्राइवर तो है ही, तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम अभी तब्दील हो रहा है ना, तो इसीलिए सब बीमार होंगे एक ना एक बार। वैसे कोई नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि आप ना ही बीमार हों। और यहाँ आपको भाई फुल विलिया मारते हुए व्हीलर दो आपका भाई बचपन से ही है। अब ओ ओ ओ हो भाई, कोई नहीं गाइस, अभी आपको अपने स्टंट दिखाते हैं, अपनी विली दिखाते हैं। ये चेक करो गाइस, विली चेक करो मेरी, गाइस विली चेक करो। या तो कोई नहीं, अब जल्दी से उसके घर चलते हैं। तो गाइस गाड़ी भगाता भगाता मैं आ तो चुका हूँ उसके घर के करीब, और ये सामने दरख्त गिरा। भाई ये दरख्त कहाँ से गिरा, ओ बे ये किसका गिरा हुआ है। कोई नहीं, हम जल्दी से अंदर चलते हैं। अबे भाई, अबे इसके अंदर से चलेगी गाड़ी, कोई नहीं। अबे यार कोई नहीं, घर के अंदर ही चलते हैं हम लोग। तो अबे ऊपर हेलीकॉप्टर, मुझे लगता है ये जाने ही लगा है दूसरी सिटी। अबे ये क्या है, कोई नहीं, ये ब्लास्ट गैंग के इसके बंदे और ये इस मैनेजर इसके साथ ही खड़ा है। कोई नहीं, अभी मैं जल्दी से इसे पूछता हूँ कि भाई हाँ भाई क्या सीन है, और अपने ब्लास्ट गैंग के बॉस को जल्दी से बाहर बुलाओ, मुझे बात करनी है। तो गाइज़ अभी मेरी ब्लास्ट गैंग के बॉस से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि ऊपर जो तुम ये खड़ा हेलीकॉप्टर देख रहे हो ना, इसमें तुम्हें इसमें ही तुमने जाना है मिलिट्री बेस, और वहाँ से जाके हेलीकॉप्टर चोरी करके लाना है। और ये वाला बंदा जो है ना, ये मौत ऐसा कह रहा है, इसको तुम साथ ले जाना, तो अपनी बाइक तुम अंदर खड़ी कर दो गैराज में, वापस आके यहीं से ले लेना। तो जल्दी से बाइक को जल्दी से अंदर गैराज में पार्क करते हैं, और जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और इसको साथ बिठाते हैं और चलते हैं मिलिट्री बेस। तो गाइज़ मैं भी ऊपर चढ़ चुका हूँ, जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और ब्लास्ट गैंग के बंदे को साथ बिठाते हैं और जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली गाइज इसको मैं अभी अपने साथ लेता हूँ, और जल्दी से हम लोग चलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। गाइज काम बहुत ख़तरनाक है, और मैंने साथ आर्मर जो है बहुत हैवी वाले आर्मर रख लिए हैं, और उसके साथ साथ छः सात आर्मर और भी रख दिए हैं, RPG रख लिया है मैंने, साथ ही कुछ यानी कि बंदूक शंदूक के सब कुछ रख दिया। तो आपको जल्दी से मिलिट्री बेस जाकर ही मिलते हैं। तो गाइज़ अभी हम मिलिट्री बेस आ तो चुके हैं, लेकिन आते ही खतरनाक सीन हो गया। गाइज़ आप देख सकते हैं मिलिट्री वाले हम पर मिसाइल छोड़ रहे हैं, क्योंकि साले ने आते ही गोलियां चला दी। यार इसको मैं क्या कहूँ, मैं जल्दी से छलांग मार देता हूँ, ये तो साला हेलीकॉप्टर में ही मर जाएगा, मैं क्या करूँ। अबे भाई 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ गई, भाई काम ख़राब हो गया गाइज, यार उसने सारा काम ख़राब कर दिया। मैंने कहा जाके स्नाइपर से सब पुलिस वालों को ख़त्म करके फिर हेलीकॉप्टर लेकर सुकून से चला जाऊंगा, पर सुकून से काम होना ही नहीं ये वाला। तो अभी हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, अभी जल्दी से यहाँ भी नहीं हेलीकॉप्टर, और उस वाले भी नहीं हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ढूंढना पड़ेगा गाइज। लगता है अंग्रेजी वालों ने छुपा वुपा दिया है, तो कोई नहीं जल्दी से ढूंढते हैं। अबे ये देखो गाइस कितने ज़्यादा मिलिट्री वाले, पर ये यहाँ आ नहीं पा रहे क्योंकि बीच में एक जाली है, तो मैं इनको मार ही देता हूँ यहाँ से। अबे नहीं भाई यहाँ से भी नहीं मरेंगे। ओबे हेलीकॉप्टर यार ये बहुत काम ख़राब करता है, कोई नहीं अब जल्दी से यहाँ पर। अबे भाई यहाँ बहुत सारे मिलिट्री वाले हैं, तो जल्दी से यार मिलिट्री बेस में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अब इन सब का ना मैं अबे मर जा रहा, इन सब का मैं कीमा फुरता बना ही देता हूँ। वो तो गाइस सो फाइनली गाइस मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर मिल चुका है, और सीन बहुत खतरनाक हो चुका है गाइस। अभी गाइस
मिलिट्री वाले आ चुके हैं, चोपर आ चुके हैं गाइस, पुलिस वाले आ चुके हैं, पुलिस वालों की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, पुलिस वालों के ट्रक आ चुके हैं गाइस, टैंक आ चुके हैं। ओके भैया मैं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा हूँ, कोई नहीं गाइस वो तो अच्छा है, मैंने साथ 3-4 आर्मर या 7-5 जितने भी थे मैंने गिने नहीं थे, पर एक्स्ट्रा रख ही लिए थे क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर सीन थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है सेफ्टी के लिए, और काम आ गए मेरे गाइस, वरना तो मेरा कीमा भुर्ता सब कुछ ही बन जाता आज। तो गाइस अभी पता मेरा दिमाग कौन ख़राब कर रहा है, ये चोपर गाइस, अभी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, अबे जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, चल मतलब अच्छा निकल, अभी एक और रहता है उसको भी हम जल्दी से इसको भी तबाह कर जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर चलते हैं यहाँ से, वहाँ ब्लास्ट गैंग का बॉस मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, उसने हमें एक लोकेशन दी थी, रुको इसे भी मैं ज़रा जल्दी से ना ख़त्म कर लूँ, बहुत काम ख़राब हो चुका है। अबे चल मेरा निशाना बहुत पक्का हो चुका है गाइस, पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। तो गाइस कोई नहीं, उसने मुझे एक लोकेशन दी थी आने के लिए ब्लास्ट गैंग के बॉस ने, जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और निकलते हैं, पहले तो यार इनका काम तो बाम करते हैं। अबे गाइस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, कोई नहीं गाइस बैठते हैं हेलीकॉप्टर में। अबे अबे चल मेरा बच्चा चल, अबे अबे इसके, अबे यार ये रेन लगा क्योंकि इसके आसपास जो है ट्रक खड़े हैं, जल्दी से इनको भी निपटाते हैं, बहुत ख़तरनाक सीन हो चुका है। अबे अबे सीन जो गाइस यहाँ पर ख़राब हो चुका है गाइस, जो उसने मुझे टैंक हेलीकॉप्टर लाने के लिए दिया था वो तो गाइस तबाह हो चुका है, अभी मुझे फायर ना मार दे ये सुनकर। गाइस टैंक वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, सीन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है, अभी जल्दी से इसको, भाई ये तो दबाव भी नहीं हो रहा मेरा, मेरी तो पता क्या सलाह बनी, हेलीकॉप्टर जो दूसरा ही ना वो इसमें ही बैठ कर भाग जाते हैं। जल्दी से गाइस हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से गाइस, आगे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। गाइस आपके साथ तो मैं ना पहुँच कर ही बात करता हूँ, और जल्दी से पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं गाइस, बहुत सीन ख़राब हो चुका है, 6,000 की पुलिस हमारे पीछे। तो गाइस अभी मैं पहुंच तो चुका हूं उसकी दी हुई लोकेशन पर, तो जल्दी से हेलीकॉप्टर को नीचे पार्क करते हैं और उसके आने का जल्दी से इंतज़ार करते हैं गाइस। और अभी नहीं, यहां तो पत्थर है बड़ा सा, थोड़ा सा आगे पार्क करते हैं, हाँ यहीं पर पार्क कर देते हैं, जल्दी से इसको बुला देते हैं। सो गाइस अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, ये मुझे गुस्सा तो हो रहा है, कह रहा है मैंने तुम्हें जोन सा दिया था वो तो तुम लाए नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम ये जो पीछे मेरे हेलीकॉप्टर जो मैं जिसमें आया हूँ ये तुम ले चलो, वो मैं लेकर खुद ही चला जाऊँगा, तुम जल्दी से मेरे मेंशन पर चले जाओ, चाबी शाबी इसने मुझे दे दी है, बैठते हैं और इसमें जल्दी से निकलते हैं मेंशन की तरफ, तो जल्दी से इसको उड़ाते हैं, अबे इनका सर ही ना लग जाए, मैं तो कहता हूँ मर ही जाए, ब्लास्ट गैंग का बॉस अच्छा ही है गाइस, इसने मुझे अगर पंगा लिया ना इससे मेरे साथ यहाँ हाथ चलाकी की तो मैं तो इसे गाइस फौरन ही मार दूंगा, मैं लिहाज नहीं करूँगा, जल्दी से चलते हैं अभी इसके घर की तरफ। गाइस पहुँच तो मैं गया हूँ उसके घर, लेकिन उसके घर नहीं अपने घर, क्योंकि रास्ते में आते वक्त मुझे राइडर का फ़ोन आया था, उसने कहा था जल्दी जाओ एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है, तो जल्दी से तुम आ जाओ जहाँ कहीं भी हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं जल्दी से आता हूँ मैं बस को। सो गाइस फाइनली मेरी राइडर से बात हो चुकी है, वो कह रहा है यानी कि वो ही नहीं मैं कह रहा हूँ कि रास्ते में आपको सारी बात समझाता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जल्दी से बैठते हैं और चलते हैं, और ये बैग किसने रख दिया बाहर भाई, तो जल्दी से बैठे और आपको सारा सीन मैं रास्ते में समझाता हूँ। सीन गाइस ये हो चुका है, जो मैंने और इसने थोड़े दिन पहले चोरी की थी ना पिज़्ज़ा शॉप में, वो ब्लास्ट गैंग के कुछ बंदों ने देख लिया था, उसकी 2-4 बंदे थे उन्होंने देख लिया था, और वो कह रहे थे कि भाई साहब हम ना जाकर पुलिस को बता देंगे, उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तो गाइस काम शाम हम ब्लास्ट का कोई नहीं करेंगे, जल्दी से चलकर उनको मार ही देते हैं, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बंदा है उसने सारी ब्लास्ट गैंग को बताया हुआ, तो जल्दी से उस बंदे को जाके पहले मार दें फिर उन ब्लास्ट गैंग को मारेंगे। तो गाइज़ ये वो बंदा है जिसके ऊपर रेड कलर का निशान लगा हुआ है, तो हाँ यही है, जो जल्दी से इसे मारते हैं और इसका काम सारा तमाम करते हैं और इसे पूछते हैं, तो अब मारते हैं ब्लास्ट गैंग के उन बंदों को जिन्होंने इसे जिन लोगों को इन्हें इसने बताया था, जल्दी से मारते हैं, इसी घर में थे गाइज़ वो, अब इनका भी काम तमाम करते हैं, फिर हमें किसी का भी डर नहीं होगा।
तो जल्दी से गाइस इनको मारते हैं, इनका तो काम तमाम करें पहले सारा का सारा। तो ये एक साथ की पुलिस भी लग चुकी है, हम मार तो दिया, जल्दी से अब हम चलते हैं घर, इसको राइडर को मैं घर उतार देता हूँ। गाइस अभी इसको मारते हैं और इस जल्दी से चलते हैं घर। और गाइस मुझे एक डर ये भी है कि अभी अभी मैंने ब्लास्ट गैंग के बॉस का काम किया और मैं अभी आकर ब्लास्ट गैंग के बंदों को ही मार रहा हूँ, तो कहीं वो हमें मरवा ही ना दे, हमारे घर में जो है हमला ना करवा दे। चलो कोई नहीं, देख लेंगे गाइस, घर वालों से और दोस्तों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, आपको तो पता ही है। जल्दी से चलते हैं घर। गाइज ये वाला मिशन तो हमने कम्प्लीट कर लिया है, तो गाइज बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में। इसी तरह बस गाइज बहुत दिखाते रहो। गाइज आपको जी डी एस नाइन डी एस की सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में ये भी बताओ, और कार डीलरशिप की सीरीज़ जो भी है वो भी आएगी, ब्लॉक क्राफ्ट की वीडियो अगली आएगी गाइज, उसके बाद अगली वीडियोज़ आएंगी। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना, मिलते हैं आपको जल्दी।